सिल्क बनने का जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है। ये जो बटरफ्लाई है ये आपका मूगा का बटरफ्लाई है, ये मूगा बटरफ्लाई है, ये एरिका है। मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये है मूगा सिल्क बकुल, मतलब ये चीज निकल रही है, इतने सालों तक टिकी भी रहती है। क्या इसका कॉस्ट होता होगा ये साड़ी का? लगभग 45,000 का। जय अयोखम, जय अयोखम। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय YouTube चैनल MSK। इस असम सीरीज के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पहले एपिसोड में आपने देखा कि हम मुंबई टू गुवाहाटी पहुंचे, दूसरे एपिसोड में आपने देखा कि हमने आपसे सजेशन मांगा इस सीरीज के नाम के लिए, और हमने यहाँ के जो हमारे लोकल सब्सक्राइबर थे उनसे मिलकर डिस्कस किया कि इस सीरीज को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। जब भी असम का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ब्रह्मपुत्र रिवर, बिहू, बहाग बिहू, माघ बिहू, काटी बिहू, यहाँ का ट्रेडिशनल वेयर पात मुगा। ये कुछ चीजें हैं जो हमारे दिमाग में आती है। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आती है कमेंट करके बताइए। यहाँ पर बकरी कौन है? काफी सारी चीजें हैं जो आसाम को रिप्रेजेंट करती है, तो इन्हीं में से एक चीज है मूगा सिल्क। उसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे, शुरुआत से लेकर एंड तक कैसे प्रोसेस होता है और कैसे वो मूगा सिल्क के कपड़े साड़ी हम तक पहुँचती है, ये पूरा डिटेल आज के व्लॉग में होगा। जुड़ा रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पैंथर यहाँ पर है, बट हमारे जेड प्लस सिक्योरिटी वाले कहाँ पर है पता नहीं। ये जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं ना, इनको हमने बताया नहीं कि हम कहाँ रुके हैं। ये ऐसे हैं जिन्होंने ढूंढा व्लॉग देख देख। कल मैं पूछा रात को पैसा कैसे पता चला तुम लोग को बोलो। वो लोग बोला पूरा गुवाहाटी में जितने भी होटल है सब में गए, एक फोटो में ये लोग को कलर पता चल गया, सीरी का कलर ऐसे आगे ढूंढ लिया भाई। अगर मैं बता दूं यहाँ पर तो क्या ही हो जाए। एक मीटअप करेंगे यहाँ पर? मीटअप कर सकते हैं, अरेंजमेंट अगर अपने विकास दा ने अच्छे से किया तो फिर मैं मीटअप यहाँ पर। कमेंट करिए अगर चाहिए तो मीटअप। जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पर आया था गुवाहाटी, तब हमारी गाड़ी थी, उसके पीछे दो गाड़ी थी, और आज इसके आगे एक गाड़ी है, और आज ये है हमारे पास। देखना चाहोगे इसका जलवा? ये हमारी जेड प्लस सिक्योरिटी का एक साधन है। सिक्योरिटी कैसी है थोड़ा बताइए हमें। बॉस को इतना इंग्लिश नहीं आता, सिक्योरिटी हेड को नहीं आता। पीछे तुम्हारे एक बिच्छू आया, देखना ये हमें थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। उसको हटा दो जल्दी, उसको क्लियर करवाओ। क्लियर 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 क्लियर। बिच्छू गया, गया गया बिच्छू गया। अभी जिस ब्रिज पर गाड़ी चल रही है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वेस्ट से लेकर ईस्ट तक पूरा का पूरा स्ट्रेच है, सबसे बड़ा रिवर है ये आसाम का। और ये जो ब्रिज है इसका नाम है सराई घाट। ये ब्रह्मपुत्र रिवर का पहला ब्रिज है। जैसे मैंने कहा ना सराई घाट, यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन है आसामीज में कैसा है? सराई घाट। जो ब्रिज है ब्रिज का आसामीज में बोलते हैं हम लोग दोलोंग। दोलोंग सराई घाट, दोलोंग मतलब ब्रिज को दोलोंग बोलते हैं। ओके वेरी गुड। एक चाय ब्रेक के लिए रुके हैं, आधे से ज्यादा रास्ता हमने कवर कर लिया है। आसाम जब मैं आया था पहले दिन मैंने पिया था लाल चाह पसंद आ गई, तो अभी से हम लाल चाह पियेंगे, एसिडिटी से बचेंगे, क्योंकि दूध वाली चाय जो है दिन में एक अच्छी लगती है और वो मैंने पी ली सुबह सुबह। चाय ले लो, चाय आ गई, चाय आ गई। ये जो मिठाई आप देख रहे हैं ये मिठाई को मैंने इंडिया में कहीं नहीं देखा, आसाम में देखा हूँ, और इसे कहते हैं चना मिठाई। कारण है कि इसमें शुगर नहीं है, तुमने वो उनका पूरा तोड़ दिया। न्यूट्रिक शुगर हो गया। तो अभी हम हैं स्वालकोची। ये जो जगह है इसे वस्त्र नगरी कहा जाता है, क्योंकि सारा का सारा जो सिल्क है वो इसी एरिया में बनता है। अलग अलग टाइप के सिल्क होता है, जैसे पात, मूगा और एरी। पात और मूगा जो सिल्क है वो कहीं और वर्ल्ड में नहीं बनते, सिर्फ और सिर्फ आसाम में बनते, और जिस जगह पे हम लोग हैं, जिस नगरी में हमें, वहाँ पर ज्यादा बनते हैं। यहाँ पे ओरिजिनेट होता है। जब हम कैमरे में बात कर रहे थे ना तो ये हमारे बाजू में थे, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आप तक गलत ना पहुंचे, क्योंकि जो भी हमने इंटरनेट पे पढ़ा है और जो भी रियल में हम एक्सपीरियंस करेंगे ना कभी कभार डिफरेंट होता है। इनसे मिले, ये है राहुल खानदानी, इनका
बिजनेस है तो ये सिल्क के बारे में ए टू जेड जानते हैं, तो एक्सपर्ट है हमारे पास जो हमें आज सही सही बताएंगे। तो आज की हीरो है राहुल। हेलो राहुल, नाम तो सुना होगा। नाम तो सुना होगा। अभी हम देखने आए हैं कि जो पहला स्टेप, पहला प्रोसेस जो होता है पात सिल्क या मुगा सिल्क या कोई भी तरह का सिल्क हो, उसका शुरुआत कैसे होता है। आइए, सिल्क बनने का जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है। अलग अलग तरीके के कीड़ों से अलग अलग तरीके के कपड़े बनते हैं, जिसमें मुगा है, जिसमें पात है, जिसमें एरी है। एग से कीड़े बनते हैं और वो फिर बड़े होते हैं। बड़े होने का क्लिप है इनके पास, जरा देखें। फिर उसके बाद में वो जो कीड़े होते हैं उनको पेड़ पे छोड़ देते हैं। ये शूम पेड़ है, शूम गाच कहते हैं। तो इस पेड़ में सारे जो कैटरपिलर्स होते हैं यहाँ पे रख देते हैं और फिर वो जाके सब खाते हैं। मुगा का जो प्रोडक्ट निकलता है ये लिप्स के खाने के बाद ही निकलता है। तो बटरफ्लाई ने अंडे दिए, अंडे से वर्म्स आया, वो वर्म्स इस पेड़ के इसी लीव्स को खाने से अच्छा क्वालिटी का सिल्क बनेगा। कुछ भी लीव्स खाएगा तो लीव खाते हैं और फिर आने के बाद अपने आप को ऐसे सिल्क में लपेट लेते हैं और फिर वो जो कीड़े होते हैं वो अंदर बंद हो जाते हैं। फिर उसको उठाते हैं, उसको बॉइल करते हैं, निकालते हैं, उसमें से सिल्क निकलता है। तो ये प्रोसेस, ये जो बटरफ्लाई है ये आपका मुगा का बटरफ्लाई, ये मुगा बटरफ्लाई है, ये एरी का है, ये एरी का बटरफ्लाई, ये एरी सिल्क का कोकून है, ये मुगा का, ये मुगा का कोकून है और ये इनके एग्स होते हैं। ये मुगा के एग्स है, ऐसे एग्स होते हैं इसके। अभी ट्राई हो गया बहुत ओके। अभी हम हैं राहुल के घर पे, यहाँ पर हम खाना खाने के लिए हैं। हाँ, खाना खाएंगे। और ये आसाम का फेमस टाइगर मिल गया हमें। मैं बोलना चाहता हूँ, मैं एक शेर मारना चाहता हूँ अभी। माँ इधर ही है, एक शेर मार दूँ क्या? सिद्धू बाजी की दृष्टि, इसको देख के मारना। एमएस का है आसाम में। अरे मेरे बच्चे को फेंक दिया यार, ये रियल लग रहा था ना थोड़ी देर के लिए। रियल तो उधर बैठा हुआ है। Cheers for Swal Koshi, वस्त्र नगरी के लिए। आ जाओ सारे, खाना लग चुका है। खाने की वैरायटी बहुत है यहाँ पर ना। एक चीज और मैंने नोटिस की है जो कि सिर्फ आसाम में मैंने देखा है। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का नींबू है, इतना बड़ा नींबू। हमारे वहाँ के नींबू इतने से होते हैं। इसको काजी नींबू बोलते हैं। काजी नींबू। चलो फिर हम बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आसाम का ट्रेडिशनल टिक टिक खोरी का। ओके देखो जी, खाना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा खाना था। खाना खाने के बाद यहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि ये खाया जाता है। ये वैसे तो हम पान कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं? ये भी पान है और ये है तामूल। ये कच्चा सुपारी लग रहा है। कच्चा सुपारी, यस। तो इसको इतना खाने का? हाँ। छोटा वाला, छोटा वाला, ये छोटा वाला है। अगर आप चुना चाहिए तो चुना, चुना भी नहीं। खाना किसने बनाया? माता जी ने और बहन ने। बहुत अच्छा खाना बनाया। थैंक यू, थैंक यू आपको। मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये है मुगा सिल्क ककून। इसको बॉईल करते हैं और बॉईल करने के बाद इसमें से सिल्क थ्रेड निकलता है जो कि गोल्डन कलर का होता है नेचुरली। और ये एकदम प्योर मुगा सिल्क है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आसाम और स्पेशली स्वाल कोची। यहाँ पर जो ककून है आप देखेंगे कि ये सब बॉईल हो चुका है और उसमें से इस तरह से थ्रेड निकाल रहे हैं। ये जो थ्रेड देख रहे हैं इसको यहाँ पर लपेटा जाएगा। ये एक थ्रेड के लिए 6-7 ककून को मिलाया जाता है एंड देन फिर इसको प्रोसेस किया जाता है। ये जो प्रोसेस है, ये चीज फर्स्ट सेकंड प्रोसेस जो है कुछ मशीन से नहीं, हाथ से निकाला जाता है। यहाँ पे कोई भी चीज का मशीन का नहीं है, सब हाथ का है। ये है 25 इयर्स पुराना, ये मतलब ये सेम प्रोसेस करके जो प्रोडक्ट बना है वो ये है। 25 साल पुराना ये एक कीड़े से, मतलब ये चीज निकल रही है, इतने सालों तक टिकी भी रहती है कि नहीं? अमेजिंग, इनक्रेडिबल इंडिया अपना। कमेंट करके बताओ यार, मतलब है कि नहीं इंटरेस्टिंग यार। यहां से यहां तक कैसे पहुंचे इसका प्रोसेस अभी हम देखेंगे। काफिला लेके आ गए हम लोग। अभी हम जा रहे हैं जो अगला प्रोसेस है उसको देखने के लिए। तो इनकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में घुसेंगे तो ऐसा है,
सारे हैंडलूम्स। हमने देखा अब तक कि कैसे ककूम से वो धागा निकाला जाता है, सिल्क निकाला जाता है। ये दूसरा सिल्क है, आपको जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूं, उससे यहां पे ट्रांसफर होता है। हां, यहां से आपका लेके ये बॉबिन में ट्रांसफर होगा। ये इसको बॉबिन बोलते हैं, छोटा बॉबिन। अरे मशीन चल गई, अलग रखा दी उसमें। वो जो हम वहां से बना के लाते हैं, यहां पे ट्रांसफर होता है, फिर यहां से यहां पर करते हैं, और यहां से इस प्रोसेस से फिर बन जाता है ये ऐसे। इसके बाद ये जाता है हैंडलूम में, ये इसके बाद फिर यहाँ जाता है, इसके बाद यहाँ से धागा निकाला जाता है, इसको ऐसे लगाकर वीविंग स्टार्ट होगा। तो ये फिर इसके बाद वीविंग वाला प्रोसेस चालू होता है। जो कपड़े पे डिजाइन होता ना, वो डिजाइन बनता है इससे। यही सेम डिजाइन कपड़े पे होगा, और उसका डिजाइन के लिए यहाँ पे आपका 120 हुक्स रहेगा। पीछे वो खींचने से वो हुक्स ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर देख के लगेगा नहीं कि वो डिजाइन बन सकता है, लेकिन यही है जिससे वो डिजाइन बनते हैं। तो ये था फाइनल प्रोसेस जो आपको दिखा के कंप्लीट हो गया। इसमें और भी ऐसे छोटे छोटे प्रोसेस हैं, हमने आपको शॉर्ट में ही सब कुछ दिखा दिया। एंड ये जो है ना, ये कंप्लीट अभी हाथ से हो रहा है, पुराना ट्रेडिशन है ये। यही सेम चीज अभी क्या है कि लोग फैक्ट्रीज में करने लगे हैं। तो जो फैक्ट्रीज में होती है वो, यार ऐसे तो ब्लॉग भी नहीं होता है, हर जगह पे कोई ना कोई मिल ही रहे हैं, और ऐसा नहीं कि एक दो, पूरा काफी ला। तो मैं ये कह रहा था कि यही सेम चीज जो फैक्ट्री में होती है ना, वो कपड़े थोड़े सस्ते मिलते हैं, ये थोड़े पुराने ट्रेडिशन में बनते हैं, इसकी क्वालिटी थोड़ी अलग होती है, इसलिए थोड़े महंगे मिलते हैं। फिनिश प्रोडक्ट भी दिख गया हमें, अभी लूम से निकला है। ये मतलब आपका साड़ी नहीं है, मेखला है आपका, हाफ साड़ी, जिसको हाफ साड़ी बोलते हैं हम लोग। ये वही है क्या मूगा जो हमने देखा था? मूगा का नीचे का क्वालिटी है, असर बोलते हैं उसको। अच्छा, मूगा का भी मिलेगा ऐसे। तो जी, आपको हमने दिखाया, आपको दिखाने के चक्कर में हमने भी सीखा, ऐसे सीखते रहना चाहता हूँ मैं। सीना, सीना हो गया पूरा। मेहनत तो लगती है ना, मैंने देखा है कि सारी औरतें ऐसा, क्योंकि सारी औरतें क्यों है यहाँ पर? मिल भी कम करती है, ये वॉट का फैक्ट्री है, मिल का दूसरा होगा, लेकिन अच्छा है, फीमेल हर जगह होनी चाहिए बराबर ही। यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हमें लगता है। राहुल का पूरा नाम है राहुल कुमार, कुमार से ये समझ में आता है कि पहले आप कुमार थे। कुमार, तो यहाँ की जो हिस्ट्री है ना, वो ऐसी है कि यहाँ पर ना अलग अलग तरह के क्राफ्ट होते थे, जैसे कुमार होते थे यहाँ पर, और अलग अलग। तो आपके पापा के पापा थे वो सब कुमार थे ना? का काम करते थे, उसके बाद आपका वो लूम का काम शुरू हुआ। हाँ, तो धीरे धीरे करके ना वो सारी चीजें खत्म हो गई। तो अभी जो बचा है वो ये कपड़े का बचा है, और ये भी इंडस्ट्री थोड़े खतरे में, बिकॉज कैसा है कि ना लोगों को सस्ती सस्ती चीजें चाहिए, और जो हैंडलूम से बनती है, जो मैन क्राफ्ट जहाँ पर लगते हैं, वो थोड़े महंगे हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशन में है और काफी टाइम से है। तुम कुछ कहना चाहते हो इस बारे में? सबको सपोर्ट करना चाहिए बिजनेस को, और आके देखिए इस फल कुछ में कैसा बन रहा है, कैसा कर रहा है, वही देखना चाहिए। Welcome. हमने पूरा प्रोसेस जो दिखाया था, उसके बाद आखिरी स्टेज जो है बिक्री। जब तक बिकेगा नहीं, तब तक माल कहाँ से मिलेगा, पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो फिर वो साइकिल कंप्लीट कैसे होगा? ए टू जेड प्रोसेस तुम्हारे यहाँ हो जाता है। लड़कियों नंबर ले लो, इसका खानदानी लड़का है ये, नंबर ले लो। शादी नहीं हुई ना तुम्हारे अभी तक? शादी के लिए लड़का तैयार है यहाँ पर। मुगा का वो है, क्या इसका कॉस्ट होता होगा ये साड़ी का? लगभग 45,000 का ही है ये साड़ी। तो मुगा का थोड़ा प्राइस रहता है, तसर का भी मिलेगा, वो थोड़ा कम प्राइस में आएगा। ठीक है, तो अभी ये साड़ी ऐसे नॉर्मली लोग पहनते नहीं होंगे ना, शादी के लिए लेते हैं मेनली, शादी के लिए। इससे महंगा भी है आपका, इससे भी महंगा है। ये शुरू कहाँ से होता है? 8-10 हज़ार से स्टार्टिंग आपका मुगा का, वही से होगा आपका तसर का आपका 12,000 से स्टार्टिंग होगा। एक छोटा सा कीड़ा क्या दे सकता है हमें बताओ? दे सकता है, निकाल सकते हैं हम उनसे। ये साड़ी को अगर आप ऐसे रख देंगे तो 100 साल तो चलेगी आराम से, कुछ नहीं होगा। जितना साल आपका पूर्ण होगा आपका वो साइन ज्यादा आएगा। तो भाई दूल्हा रेडी है, दुल्हन किधर है? यहाँ से यहाँ तक की जर्नी आपको हमने दिखाया, इसी बात पे ये लाइक करो, तो बेसिकली यहाँ पर ना इतना ये प्रेस्टीजियस है कि लोग इसको कॉपी भी करते हैं, लेकिन नकली भी बनाते हैं, तो वो चेक करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट है ना ये। हाँ, ये गवर्नमेंट लेबल है, ये लेबल है जिससे पता चलता है कि ये जो साड़ी है ये ओरिजिनल है, या ऐसी भी यहाँ पे खरीदे तो ये टेस्ट करके ही खरीदे। हाँ, मतलब खरीदने से पहले ये चीज देखना जरूरी है। ये है तो वो लीजिए, नहीं तो नहीं, नहीं तो मत। ठीक है, ये ऐसे छूके तो हम भी नहीं बता पाएंगे ना, कोई भी नहीं पता, हम लोग का ही वो कन्फ्यूजन हो जाता है, टेस्ट करके हम लोग बोल सकते हैं। थैंक यू, ये सत्य के काम आएगा, चावल फेंकेंगे सत्य मचाएगा। क्या इसको कहते हैं? छाती बोलते हैं, वो तो मेरे को भी पता है, क्या बोलते हैं? छाती छाती।
छाती पे छाती। चलो Z Plus Security, रास्ता क्लियर करवाओ हमारा। Alright, ladies and gentlemen, कैसा लगा जी आज का व्लॉग? थोड़ा हमें बताइएगा कमेंट करके कि ऐसे व्लॉग्स आप और भी देखना चाहते हैं, क्या कमी रह गई, क्या बेशी, सब बताइए। That's it, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू पार्ट ऑफ डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, खुदा हाफिज़। Live a life, live a dream. Boom! One horn rhinos. अरे सिर्फ एक ही तो शब्द बोलना है, बढ़िया। हाँ, इसको बाद में डाल देंगे। हाँ, बाद में डाल देंगे। हँसना बोल बोल। One horn rhinos. अरे अच्छा। आज भी कुछ करो क्या? हाँ। दो मिनट के बाद करेंगे इसको यार।